अल कलाम यजुरुल कलाम, आप मौजू एक तरफ चला गया है कि और चीज़ें निकलती जा रही हैं। सिर्फ आखिरी सवाल मैं पूछूंगा इसी आखिरी जवाब के मुतालिक के जन्नत में, क्योंकि ज़ाहिर है अट्रैक्शन तो अब हम जाएंगे तो कुन फयकुन वाली हालत होगी, तो असल जो काम है इंसान का वहाँ पे क्या, क्योंकि इसके बारे में सोचा जाता है कि हम जब वहाँ जाएंगे तो क्या सिर्फ खाना पीना और जो ऑर्डर करेंगे वही है, या क्या खुदा क्या चाहता है वहाँ पे क्या करें? खुदा जो कुछ हमसे चाहता है वो यहाँ चाहता है, वहाँ कुछ नहीं चाहता। सही। हाँ, वहाँ खुदा ने अपने डिवाइन प्लान से ये डिसाइड करना था कि मैं मखलूकात में से ऐसी मखलूक चुनूं जो अपनी मर्जी से मुझे चॉइस करे। सही। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से अल्लाह को चूज नहीं किया, बल्कि अल्लाह की मर्जी से, बाय डिफॉल्ट जिसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहते हैं। सही। इंसान को इस पे फख्र करना चाहिए कि उसे ये एजाज हासिल है, ये वो मखलूक है जो अपनी विल से अपने रब को चूज करता है। तो बहुत थोड़े लोग हैं जन्नत में पहुंचने में कामयाब होंगे, लेकिन जो हो जाएंगे ना फिर अल्लाह ताला उन्हें भी अमर कर देगा। इस हवाले से बुखारी मुस्लिम में आया कि मौत को मेंढे की शक्ल में ला के जन्नत और जहन्नम के दरमियान जबा कर दिया जाएगा, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा, फिर जन्नतियों के लिए टॉयलेट वाली तकलीफ नहीं है, एक खुशबूदार डकार आएगी, सब कुछ हजम। जन्नत में लोग भूख की वजह से नहीं खाएंगे, भूख एक ऐब है, जन्नत में नहीं है। नींद एक कमजोरी है, ऐब है, जन्नत में नहीं है। बुढ़ापा एक कमजोरी है, ऐब है, जन्नत में नहीं है। ये सारी कमजोरियां नहीं है, बल्कि हर एक चीज, रात नहीं है वहां पर, दिन है। सही। तो उसकी एक आप समझ लें फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही डिफरेंट है। वहां जाकर ही इंसान उसकी कैफियत को किसी दर्जे में सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। हमारे लिए तो यह है कि जो सूरह सजदा में आया कि मैंने अपने बंदों की आंखों की ठंडक वो नेमतें छुपा रखी हैं जिसका उनको कभी गुमान नहीं है, और बुखारी मुस्लिम में आया कि ना किसी आंख ने वो नेमतें देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी दिल पे उनका गुमान गुजरा। सही। तो बोरियत नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि बोरियत भी एक कमजोरी है, जन्नत में बोरियत भी नहीं होगी। इससे बड़ी क्या इंसान की खुशनसीबी है कि खुदा अकेला था, हमेशा से था, उसने महज अपने फजलो करम से हमें पैदा किया और थोड़ी सी जिंदगी हमसे कहा कि मुझे दो, तुम्हें भी अमर कर दूंगा, तुम्हें भी हमेशा की जिंदगी दे दूंगा। सही। और तुम्हें भी कुन फयकून वाली वो क्वालिटी किसी दर्जे में खालिक और मखलूक के फर्क के साथ दे दूंगा। इसके लिए मैंने एक टर्म डिवाइस की थी, जैसे सुफिया ने वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद और इल्मुल कलाम की टर्म है, मिनी गॉड। ठीक है, इलाह के मानो में नहीं, जिस तरह के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे तुम में से एक शख्स अपने रब को शराब पिलाएगा, रब का लफ्ज इस्तेमाल किया, हालांकि रब तो अल्लाह है। तो ये इस एतबार से कि एक क्वालिटी तो अल्लाह के साथ कोई शेयर नहीं कर सकता, और वो है हमेशा से होना। बाकी जो अल्लाह की ये दो क्वालिटीज हैं, ये अल्लाह का कर्म है कि उसने अपने बंदों को अपने साथ शामिल कर लिया है। कौन सी क्वालिटी की? मौत का ना आना, अगरचे हमारी जिंदगी मुस्तार है उससे जी, लेकिन मौत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हमारी मर्जी चलना। ठीक है, ये अल्लाह ताला की क्वालिटी थी, ये अल्लाह ताला इंसान को किसी दर्जे में देगा, तो इंशाल्लाह कोई बोरियत नहीं होगी। अल्लाह ताला की ना कोई बीवी ना कोई बच्चे, उसके बावजूद अल्लाह भी तो बोर नहीं हो रहा ना, बोरियत तो कमजोरी है, अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह जन्नत में हम भी बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक, आप देख रहे थे प्रोग्राम हम और इस्लाम। अच्छा अली भाई, ये बताइएगा कि मेराज का जब जिक्र होता है, ज़ाहिर अब हमने मेराज के सिलसिले को शुरू किया, सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे और जो सिलसिले दिखाए गए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो ये एक चैलेंज था ज़ाहिर है। अब इसकी खबर सिर्फ आपको ही थी और किसी को नहीं थी, तो ये किस तरह से बात फैली और फिर मुशरिकीन का जिस तरह से उसके ऊपर रिएक्शन दिखाना, तो उस हवाले से अगर तारीखी हवाले से हमें देखें, रिएक्शन जो है वो तो आया यकीनन, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकया, अभी भी रिएक्शन आएगा, आज के इस दौर में भी आसमानों की सैर तो कोई सोच भी नहीं सकता जी। तो ज़ाहिर एक मौजज़ा था, और उन्होंने जिस तरह बाकी चीज़ों का मजाक उड़ाया इसका भी उड़ाया, और वो हमें अल मौजमुल कबीर तबरानी में तफसील के साथ मिलता है, दलाइल नबुवा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाकायदा टॉन्ट किया काफरों ने, कि बताओ अगर कोई शख्स ये दावा करे कि रातों रात वो बैतुल मक़दिस गया है फिर आसमानों पे गया है, उनका ये तो पॉसिबल नहीं है, तो उनका तुम्हारा साहिब यही कह रहा है, तो उनका अगर रसूलुल्लाह कह रहे हैं ना तो इससे बड़ी चीजें मैंने मान ली हुई हैं, तो वो सच कह रहे हैं, और इसी बुनियाद पे आपका सिद्दीक लकब ठहरा। अच्छा, अब इससे अगला वर्जन भी आया है जो बुखारी मुस्लिम में आया कि फिर काफरों ने कहा अच्छा अगर आप वाकई गए हैं ना
تو ہم آپ سے کچھ کوشچنز کریں گے، آپ ریبٹل کریں ان کو. صحیح. بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کتنی سیڑھیاں آپ چڑھے تھے، کلر کیا تھا دیواروں کا، آپ مجھے بتائیں. مجھے 2 سال ہو گئے اس اکیڈمی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، میں نے کبھی گن کے تو نہیں چڑھا. ایک انسان جب زندگی میں گئے ہی ایک دفعہ، اور اس کے لیے تو ایک ایکسائٹمنٹ ہی اتنی ہے، ان چیزوں کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں حتیم کعبہ میں کھڑا تھا اور لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے. صحیح. میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد پہلی دفعہ میں اتنا پریشان ہوا تھا کہ مجھے ان کی باتوں کے جواب نہیں آ رہے تھے کہ میں نے اب کیا جواب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے بیت المقدس کو اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا. حتیم کعبہ میں حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں بیت المقدس کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا. وہ جو مجھ سے پوچھتے تھے نا، بتاؤ کہ فلاں دروازہ کس جگہ پہ ہے، تو میں دیکھ کے بتا دیتا تھا. سو وہ سارے کے سارے پھر خاموش ہو گئے. یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک معجزانہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی عطا فرمائی تھی. قافلہ بھی تو ایک آیا تھا نا. جی، قافلے والا بھی واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور بھی کافی سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ چونکہ تاریخی روایتیں ہیں، ان میں کمزوریاں بھی موجود ہوتی ہیں. میں چونکہ کوشش کرتا ہوں کہ جو احادیث کی کتابوں میں جتنی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں نا، ان کے اوپر ایمفسائز کروں. اچھا، اب یہ جو سلسلہ ہے معراج کا، یہ قبل از بعثت، کیونکہ ظاہر مدینہ شریف دکھایا گیا کہ آپ کا مسکن یہ ہوگا، تو خود معراج کے حوالے سے اس کے بعد جو رپورٹ ہوئی ہیں کہ کب کب ہوئی، اس کے کوئی تاریخی ہمارے پاس موجود ہیں دلائل یا نہیں؟ بس اسی حد تک علماء نے بیان کیا کہ کچھ اور معراج بھی ہوئے ہیں. جی، اور جو معراج ہیں وہ خواب میں تو مختلف مواقع کے اوپر نبی علیہ السلام کو ملا تھا. نہیں، اس طرح یہ معراج ایک ہی ہے. جی اچھا. ہاں جی، اسی لیے آپ دیکھیں اس کے علیحدہ سے چیپٹرز بنے ہوئے ہیں بخاری مسلم میں. جی، معراج کا واقعہ اس کے اوپر باقاعدہ ایک پورا باب ہے، اس میں تفصیلی حدیث موجود ہے. صحیح. اسی طریقے سے مسلم شریف میں وہ اسی ایک معراج کی طرف ہی اسے ڈسکس کیا جاتا ہے. جسمی اور روحی دونوں اکٹھا کہتے ہیں، تو اس کے اوپر کیا کوئی نص یا کوئی دلیل ہے؟ جی، دلیل موجود ہے. بعض نے اکتفا کیا بعض روایت پہ کہ صرف خواب کے عالم میں، بعض نے صرف روحانی معراج کی بات کی. تو یہ جسمی اور روحی جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو اس کے بارے میں دیکھیں، یہ کچھ دور کی کتابوں میں حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کا قول ملتا ہے، لیکن اصول محدثین پہ وہ ثابت نہیں ہے کہ یہ معراج خواب میں ہوئی تھی. صحیح. البتہ صحیح بخاری میں 3 جگہ پہ امام بخاری یہ روایت لے کے آئے ابن عباس سے، انہی لوگوں کو جواب دینے کے لیے. صحیح. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے کہ ہم نے جو آپ کو وہ رؤیا دکھایا تھا وہ ہم نے آزمائش بنا دیا ان لوگوں کے لیے. اب رؤیا آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، خواب میں دیکھنے کو بھی کہتے ہیں. صحیح. ابن عباس یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ رؤیا سر کی آنکھوں سے ہے، دل کی آنکھوں سے نہیں ہے. یعنی ابن عباس اعلانیہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی جو معراج والا معاملہ ہے یہ فزیکل ہے. پھر عبد کا لفظ بھی صرف روح کے اوپر نہیں بولا جائے گا. ہاں ظاہر ہے، کلیئر کٹ ہے.